अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदर डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेजेस ऑफ बेबी क्रॉलिंग के बारे में बताऊंगी। बच्चे कब और कैसे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं और माओ को बच्चे को क्रॉलिंग कराना कैसे सिखाना चाहिए, इसके साथ साथ जब बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट कर दे तो कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, इससे रिलेटेड आज की वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉलिंग की पहली स्टेज बेबी का करवट लेना है। जैसे ही बेबी खुद से करवट ले, माँ को एक्टिव हो जाना चाहिए। बच्चे की सेफ्टी का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चे अक्सर करवट लेते लेते बेड से गिर जाते हैं, इसलिए बेड की साइड पे चारपाई लगा दे या फिर सारी तरफ पिलो रख दे। छोटा बच्चा अपना सर नहीं संभाल सकता, इसलिए उसका सर बार बार नीचे लगता है। अगर बच्चे को सख्त जमीन या हार्ड सरफेस पे छोड़ेंगी तो इससे बच्चे के सर पर चोट लग सकती है, इसलिए जब तक बच्चा अपने सर और गर्दन को सपोर्ट नहीं दे सकता तो इसे नरम जगह पे ही छोड़े। बच्चे को क्रॉलिंग सिखाने के लिए उसे मोटिवेट करें। उसके लिए बच्चे के सामने कोई नॉइस वाला टॉय रखे और बच्चा इसको लेने के लिए आगे आगे बढ़ेगा तो वो क्रॉलिंग करना सीखेगा। नेक्स्ट स्टेप पे बेबी के नीचे पिलो रखे और उससे बेबी को बार बार गुजरना सिखाइए। एक और तरीका ये है कि माँ बच्चे को अपनी टांगों पर इस तरह लटाए कि बच्चा एक साइड से दूसरी साइड पर चला जाए। बच्चे को हर सूरत में घुटनों के बल क्रॉलिंग करने की प्रैक्टिस करवाइए। बाद बच्चे पेट के बल क्रॉलिंग करते हैं और घुटनों के बल नहीं करते। बच्चों को सिखाना पड़ता है, फिर ही बच्चा बार बार प्रैक्टिस करने से ठीक से क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा। हर बच्चा मुख्तलिफ महीने में क्रॉलिंग शुरू करता है। ज्यादातर बच्चे 6 से 7 माह में क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चे लेट भी क्रॉलिंग करना शुरू करें तो आप परेशान ना हो, बस आप बच्चे की प्रैक्टिस करवाते रहें। जब बच्चा ठीक से क्रॉलिंग शुरू कर देता है तो वो हर तरफ घूमता फिरता रहता है और अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है और हर चीज मुंह में डालना शुरू कर देता है। ऐसे वक्त में माँ को बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं आपको एहतियात बताऊँ, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं बताती हूँ कि आपको बच्चे की क्रॉलिंग स्टेज में और चलने की स्टेज में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। वॉशरूम का दरवाजा हर वक्त बंद रखें, पानी का टब और बाल्टी हमेशा खाली रखें। बच्चे थोड़े से पानी में भी डूब जाते हैं। हर किस्म के साबुन, सर्फ, केमिकल और तेजाब वगैरह बच्चे की पहुंच से दूर। किचन में भी नीचे या बच्चे की रेंज तक कोई ऐसी चीज न रखे जिससे बच्चा जख्मी हो जाए। क्रिस्टल और शीशे की बनी हुई मटेरियल्स और चीजें, डेकोरेशन पीसेस भी ऊंचे ऊपर रखे बच्चे की पहुंच से दूर, क्योंकि बच्चा हाथ से उन्हें गिरा के तोड़ देता है और वो चीजें उठा के मुंह में डालना शुरू कर देता है जिससे बच्चा जख्मी हो जाता है। क्रॉलिंग करने वाले बच्चे आसानी से सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा बच्चे सीढ़ियों से गिरकर जख्मी होते हैं, इसलिए सीढ़ियों के आगे हिफाजती दरवाजा लगवा ले। इसी दौर में बच्चा हर चीज मुंह में डालता है और बच्चे को मिट्टी खाने की भी आदत इसी दौर में पड़ती है। अपने बच्चे को मसरूफ रखें और हमेशा अपने सामने रखें। 1 सेकंड के लिए भी बच्चे को अपने से दूर मत करें। इस पीरियड में आप बच्चे की कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकती हैं, इससे मुतल्लिक भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी इंशाल्लाह। हमारी हर नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।